Welcome you all again in today's session of micro encapsulation. In the last session, we have discussed about the various techniques for the micro encapsulation. We have already discussed about the co-servicing phase separation technique. In today's session, we are here to discuss about the second technique, that is air suspension technique. This technique is invented by Professor Del E. Buster. That's why this technique is also called the Buster technique. इस technique को Professor Del E. Buster ने invent किया था, इसलिए इस technique को Buster technique भी कहते हैं. Basically, the Buster process consists of dispersing of solid particulate core material in the supporting air stream and the spray coating of the air suspended particles. Basically, इस टेक्निक में जो सॉलिड मटेरियल डिस्पर्स रहता है सपोर्टिंग एयर स्ट्रीम में और उसके बाद स्प्रे कोटिंग के द्वारा एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स की कोटिंग की जाती है. माइक्रोन और सब माइक्रोन पार्टिकल्स कैन बी इफेक्टिवली इनकैप्सुलेटेड बाय द एयर सस्पेंशन टेक्निक. इस टेक्निक के द्वारा माइक्रोन और सब माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को भी इफेक्टिवली इनकैप्सुलेटेड किया जा सकता है. एज द कोर मटेरियल फ्लूडाइजिंग इन द एयर स्ट्रीम इन दिस मेथड देन कोटिंग अकर्स. द सेम मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज ए फ्लूडाइज्ड बेड कोटिंग मेथड. इस टेक्निक में कोर मटेरियल को सबसे पहले फ्लूडाइज किया जाता है एयर स्ट्रीम में, इसके बाद कोटिंग की जाती है, इसलिए इस टेक्निक को फ्लूडाइज्ड बेड कोटिंग भी कहते हैं. बस्टर एयर सस्पेंशन टेक्निक का डायग्राम के द्वारा भी हम समझेंगे. यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम में इनलेट एयर, ये जिसको हम फ्लूडाइजिंग या ड्राइंग कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनलेट एयर है, एटमाइजेशन एयर और कोटिंग सस्पेंशन के लिए यहाँ पे कोटिंग गन नोजल बनाई गई है. यहाँ पे बॉटम स्क्रीन है, कोटिंग स्प्रे के लिए है और इसको हम बस्टर इनलेट इंसर्ट बोलते हैं, ठीक है. कंटिन्यूसली एयर का मूवमेंट होता है जिससे जो भी कोर मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और मूवमेंट का होता रहता है, पैलेट का मूवमेंट होता रहता है. पैलेट का मूवमेंट के साथ कोटिंग स्प्रे के द्वारा उनकी कोटिंग होती है और पैलेट के ऊपर डिजायर्ड थिकनेस की कोटिंग हमें प्राप्त होती है और रिमेनिंग एयर यहाँ से एग्जॉस्ट फिल्टर के द्वारा निकल जाती है. तो इस तरीके से एयर सस्पेंशन टेक्निक के द्वारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन किया जाता है. फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझेंगे. फाइन सॉलिड कोर मटेरियल आर सस्पेंडेड बाय ए वर्टिकल करंट ऑफ एयर देन एवापोरेशन ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट अकर्स. द इनकैप्सुलेटेड मटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन टू द कोर मटेरियल एंड अचीव द डिजायर फिल्म थिकनेस. द इनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट इज ड्राइड बाय पासिंग द एयर स्ट्रीम. सबसे पहले सॉलिड कोर मटेरियल को सस्पेंड किया जाता है वर्टिकल करंट ऑफ एयर में सस्पेंड किया जाता है. उसके बाद सॉल्वेंट का एवापोरेशन होता है. इनकैप्सुलेशन ऑफ द मटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन द कोर मटेरियल. इसके बाद कोर मटेरियल के ऊपर कोटिंग की जाती है और उसका भी एवापोरेशन होता है सॉल्वेंट का. और इस साथ में हमें जितनी भी थिकनेस की कोटिंग चाहिए वो हमें अचीव हो जाती है और इसके बाद इनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है बाईपासिंग द स्ट्रीम एयर. थर्ड टेक्निक है स्प्रे ड्राइंग एंड कंजीलिंग मेथड. स्प्रे ड्राइंग मेथड द कोटिंग सॉलिडिफिकेशन अफेक्टेड बाय द रैपिड एवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट इन विच द कोटिंग मटेरियल इज डिजॉल्व. इस स्प्रे ड्राइंग टेक्निक में रैपिड एवापोरेशन किया जाता है सॉल्वेंट का और वो किया जाता है हॉट एयर के द्वारा. हॉट एयर का यूज करके रैपिड एवापोरेशन सॉल्वेंट का किया जाता है, इसलिए इसको स्प्रे ड्राइंग टेक्निक कहते हैं. इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे. यहाँ पे कोर मटेरियल है, बाल मटेरियल है, दोनों को होमोजेनाइजर के द्वारा मिक्स करके एक इमल्शन फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे इस चैम्बर में स्प्रे नोजल के द्वारा स्प्रे किया जाता है जिससे हमें माइक्रो पार्टिकल्स प्राप्त होते हैं और हॉट एयर यहाँ से पास की जाती है जिससे उसका सॉल्वेंट का एवापोरेशन होता है और माइक्रो पार्टिकल्स ड्राई होते हैं. तो इस तरीके से हमें स्प्रे ड्राइंग मेथड के द्वारा माइक्रो पार्टिकल्स प्राप्त होते हैं.
इसी में एक और है स्प्रे कंजीलिंग मेथड्स. द कोटिंग सॉलिडिफिकेशन इज अफेक्टेड बाय थर्मली कंजीलिंग ए मोल्टन कोटिंग मटेरियल. डिफरेंस इसमें इतना है कि इसमें थर्मली कंजीलिंग की जाती है कोल्ड एयर के द्वारा, मतलब मोल्ट सबसे पहले कोटिंग मटेरियल को मेल्ट किया जाता है हीट के द्वारा, उसके बाद कोल्ड किया जाता है जिससे कोटिंग मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है. तो द कोटिंग सॉलिडिफिकेशन इज अफेक्टेड बाय थर्मली कंजीलिंग ए मोल्टन कोटिंग मटेरियल. द रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट इज डन बाय सॉर्प्शन एक्सट्रैक्शन और एवापोरेशन टेक्निक. और सॉल्वेंट का रिमूवल सॉर्प्शन टेक्निक के द्वारा या एक्सट्रैक्शन या एवापोरेशन के द्वारा हम करते हैं. इसमें कोल्ड एयर का यूज किया जाता है. द माइक्रो एनकैप्सुलेशन बाय द स्प्रे टेक्निक स्प्रे ड्राइंग इज ए लो कॉस्ट कमर्शियल प्रोसेस विच इज द मोस्टली यूज फॉर द एनकैप्सुलेशन ऑफ फ्रेग्रेंस ऑयल्स एंड फ्लेवर्स. ये जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन की स्प्रे ड्राइंग टेक्निक है इस लो कॉस्ट कमर्शियल प्रोसेस होती है जिसका जनरली हम फ्रेग्रेंस ऑयल और फ्लेवर के एनकैप्सुलेशन में यूज करते हैं. यह थ्री स्टेप में कंप्लीट होती है. फर्स्ट वन इज द कोर मटेरियल आर डिस्पर्स इन पॉलीमर सॉल्यूशन एंड स्प्रेड इनटू द हॉट चैम्बर. सबसे पहले कोर मटेरियल को डिस्पर्स करते हैं पॉलीमर सॉल्यूशन में और स्प्रे करते हैं हॉट चैम्बर में. द सेल मटेरियल सॉलिडिफाइड ऑन द कोर पार्टिकल एज ए सॉल्वेंट एवापोरेशन. ठीक है, इसके बाद कोटिंग मटेरियल या सेल मटेरियल कोर पार्टिकल के ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है सॉल्वेंट एवापोरेशन के द्वारा. द माइक्रो कैप्सूल्स ऑब्टेन आर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स टाइप. स्प्रे ड्राइंग टेक्निक से जो हमें माइक्रो कैप्सूल्स प्राप्त होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स टाइप के होते हैं. The equipment component of standard spray drying include an air heater, atomizer, main spray chamber, blower or fan, cyclone and product collector. These are the component of the spray dryer machine. Fourth technique is the pan coating technique. By this technique, approximate size of 600 to 5,000 micron particles can be coated. The method is only applicable for the solid particles, or it is suitable for relatively large particle. Relatively large particle, solid particle के लिए method suitable होती है. Extensively employed for the preparation of controlled release bead. Generally इसका ज्यादातर use हम controlled release beads को बनाने के लिए करते हैं. Medicament are usually coated with the protective layer of various polymers. Medicament को polymer की protective layer से coat करते हैं. The coating is applied as a solution or as a atomized spray to disperse solid core material in the coating pan. Coating solution को core material के ऊपर coating pan के द्वारा desired thickness में coat किया जाता है. Usually to remove the coating solvent, warm air is passed over the coating material as the coating are being applied in the coating pan. और coating solvent को remove करने के लिए warm air pass की जाती है coating material के ऊपर pan में. In some cases, final product removal is accomplished in a drying oven. कुछ केसों में final solvent को हम drying oven के द्वारा भी रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट टेक्निक इज द सॉल्वेंट एवापोरेशन टेक्निक. बाय दिस टेक्निक एप्रोक्सीमेट साइज रेंज ऑफ 5 टू 5000 माइक्रोन पार्टिकल्स कैन बी कोटेड. इट इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. यह टेक्निक दोनों सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है. सॉल्वेंट एवापोरेशन टेक्निक आर कैरिड आउट इन ए लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल oil and water emulsion, which is prepared by agitation of two immixable liquid. Solvent evaporation technique में generally हम liquid manufacturing vehicle phase का use करते हैं जिसको हम दो immixable phase के agitation के द्वारा बनाते हैं. The process involves dissolving microcapsules coating polymer in a volatile solvent which is immixable with the liquid manufacturing vehicle phase. इस process में सबसे पहले हम coating polymer सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम डिजॉल्व करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, और वह सॉल्वेंट इमिक्सिबल होता है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग
vehicle phase में a core material or drug to be encapsulated, it dissolve or disperse in a coating polymer solution. जो सबसे हमने जो coating solution बनाया है, polymer का solution बनाया है, उसमें हम drug को core material को dissolve करते हैं. With the agitation, the core coating material mixture is dispersed in a liquid manufacturing vehicle phase to obtain appropriate size micro capsules. इसके बाद हम core coating material में कोर कोटिंग मटेरियल को लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल पेज में एजिटेशन के साथ मिक्स करते हैं और डिजायर माइक्रो कैप्सूल्स डिजायर साइज के माइक्रो कैप्सूल्स ऑब्टेन करते हैं. द एजिटेशन ऑफ सिस्टम इज कंटिन्यू अंटिल द सॉल्वेंट पार्टीशन इनटू द एक्वस फेज एंड इज रिमूव्ड बाय द एवोपरेशन. एजिटेशन को हम तब तक कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक कि सॉल्वेंट पार्टीशन ना हो जाए और एक्वस फेज रिमूव ना हो जाए एवोपरेशन के द्वारा. This process result in 100 hardens the microspheres which contain the active moiety. इस प्रोसेस को microspheres को हार्ड करने के लिए भी हम यूज करते हैं. इस टेक्निक को हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं. सबसे पहले हमने ड्रग और पॉलीमर का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाते हैं और सेकेंड बीकर में हम ऑयल एंड वाटर लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल इमल्शन लेते हैं. ड्रग पॉलीमर सॉल्वेंट को ड्रग पॉलीमर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल में एजिटेशन के साथ मिक्स करते हैं और इसको एवोपरेशन करते हैं. एवोपरेशन के बाद दोनों फेज सेपरेट होती हैं और एक्वस फेज एवोपरेट हो जाती है. एवोपरेशन के बाद हमें माइक्रो स्फीयर्स की रिकवरी हो जाती है. फ्लो चार्ट के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं. सबसे पहले हमने कोर मटेरियल लिया और उसको डिजॉल्व और डिस्पर्स किया कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन में एजिटेशन के साथ और एक कोर कोटिंग मटेरियल को हम लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल पेज में मिक्स करते हैं और हीटिंग करते हैं. हीटिंग के द्वारा हम सॉल्वेंट एवोपरेट होता है और हमें माइक्रो कैप्सूल्स ऑब्टेन होते हैं. तो ये टेक्निक सॉल्वेंट एवोपरेशन टेक्निक थी. नेक्स्ट सिक्स टेक्निक इज द पॉलीमराइजेशन टेक्निक. ए रिलेटिवली न्यू माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड यूटिलाइज पॉलीमराइजेशन टेक्निक टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव माइक्रो कैप्सूल्स कोटिंग इन सीटू. ये रिलेटिवली न्यू टेक्निक है माइक्रो इनकैप्सुलेशन की जिसमें हम पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्रोटेक्टिव माइक्रो कैप्सूल्स ऑब्टेन करते हैं इन सीटू. द मेथड इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट locate at the interface existing between a core material substance and continuous phase in which the core material is dispersed. इस method, यह method में हम दो या दो से अधिक monomeric unit को use करके polymerization reaction करते हैं at the interface पे, core और continuous phase की interface पे. इसलिए हम इसको in situ method भी कहते हैं. The core material's supporting phase is usually a liquid or gas and therefore the polymerization reaction occur at the liquid gas solid liquid or liquid gas interface. In the formation of polyamide nylon polymeric reaction occurring at the liquid interface existing between the aliphatic diamine and dicarboxylic acid halides. इस फ्लू चार्ट के द्वारा हम समझेंगे. सबसे पहले हमने मोनोमर और क्रॉस लिंकर को मिक्स किया, साथ में हमने ड्रग को मिक्स किया. तो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन मिक्सचर है ना, इसमें हम अल्कोहल का यूज करते हैं. एडिशन ऑफ अल्कोहलिक सॉल्वेंट ऑफ द इनिशिएटर हम पॉली अल्कोहल का मिक्स करते हैं जिससे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इनिशिएट होती है. इनिशिएशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन 8 hour reaction time के बाद mono dispersed latex formation by the polymer precipitation. Polymer का precipitation होता है और mono dispersed latex का formation होता है. Nitrogen atmosphere में हमें polymeric microspheres की recovery होती है. Polymerization reaction generally तीन तरह की होती है. Interfacial polymerization and interfacial polymerization two reactant in a polycondensation meet at an interface and react rapidly. In interfacial polymerization reaction में two reactant polycondensation
के द्वारा मीट होते हैं, इंटरफेस पर मीट करते हैं और रिएक्ट रैपिडली रिएक्ट करते हैं. एंड इन सीटू पोलीमराइजेशन प्रोसेस इन सीटू इन ए फ्यू माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस द डायरेक्ट पोलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर इज कैरीड आउट ऑन द पार्टिकल सर्फेस. इसमें डायरेक्ट इन सीटू होता है और इसमें मोनोमर का पोलीमराइजेशन एंड डायरेक्ट पोलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमर इज कैरीड आउट ऑन द पार्टिकल सर्फेस. डायरेक्ट पार्टिकल सर्फेस पर पोलीमराइजेशन किया जाता है. सेलुलोज फाइबर आर इनकैप्सुलेटेड इन पॉलीएथाइलिन व्हाइल इमर्स्ड इन ए ड्राई टॉलुएन. यूजुअली डिपोजिशन रेट आर अबाउट 0.5 माइक्रोन पर मिनट. कोटिंग थिकनेस रेंज फ्रॉम 0.2 टू 75 माइक्रोमीटर. थर्ड इज द मैट्रिक्स पॉलीमराइजेशन. इन ए नंबर ऑफ प्रोसेस ए कोर मटेरियल इज एम्बेड्स इन ए पॉलीमेरिक मैट्रिक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स. कुछ प्रोसेस में हम कोर मटेरियल को डायरेक्टली पॉलीमर मैट्रिक्स के ऊपर एम्बेड करते हैं, इसलिए इसको मैट्रिक्स पॉलीमराइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं. प्रिपेयर्स द माइक्रो कैप्सूल्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोटीन इन ए एक्वस डायमीन फेज. लास्ट टेक्निक इज द माइक्रो ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस. माइक्रो मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस अप्रोक्सीमेट साइज रेंज ऑफ 1 to 5,000 माइक्रोन पार्टिकल्स कैन बी कैप्सुलेटेड बाय दिस टेक्निक. दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द लिक्विड एंड सॉलिड. This method was developed by the Southwest Research Institute (SWRI). This method को Southwest Research Institute ने develop किया था. It is a mechanical process. यह mechanical process है, ठीक है. In this, the centrifugal force is applied on the core material by the enveloped microencapsulated membrane. इस process में हम centrifugal process का centrifugal फोर्स का यूज करके कोर मटेरियल की के ऊपर कोटिंग करते हैं. दिस टेक्निक इज रैपिड कॉस्ट इफेक्टिव रिलेटिवली सिंपल एंड हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी. यह टेक्निक रैपिड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलेटिवली सिंपल है और हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमें ऑब्टेन होती है. इस प्रोसेस को हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे. ये क्रॉस सेक्शन है माइक्रो एनकैप्सुलेशन एपरेटस का. यहाँ पे कोटिंग इनलेट बनाया गया है जिससे कोटिंग सॉल्यूशन को पास किया जाता है. कोटिंग मटेरियल यहाँ से पास किया जाता है. यहाँ पे मटेरियल ग्रूव है जिससे मटेरियल को पास किया जाता है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है. और यहाँ पे कोर मटेरियल इनलेट है, ठीक है. काउंटर रोटेटिंग डिस्क है जो कि रोटेट होती है और रोटेटिंग सिलेंडर यहाँ पे बनाया गया है. सबसे पहले कोर मटेरियल इनलेट के द्वारा यहाँ से कोर मटेरियल आता है और कोटिंग मेम्ब्रेन के रूप में यहाँ फॉर्मेशन होने लगता है. कोर मटेरियल इनलेट से कोर मटेरियल आता है और काउंटर रोटेटिंग डिस्क रोटेट होती है. रोटेशन से कोर मटेरियल को वह उछालता है और कोर मटेरियल उछल कर इस कोटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर आता है और उसकी कोटिंग हो जाती है जिससे हमें माइक्रो कैप्सूल्स प्राप्त होती हैं और इस मटेरियल ग्रुप्स के द्वारा वो हम कलेक्ट कर लेते हैं. तो इस प्रोसेस को कुछ सिलेंडर रोटेशन स्पीड क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो समझते हैं. सबसे पहले सिलेंडर रोटेशन स्पीड्स, सेकंड कोटिंग एंड कोर मटेरियल फ्लो रेट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन and concentration of the core material. These are the factors that affect the multi-orifice centrifugal microencapsulation process. So, इस process को फिर से हम short में समझेंगे. इससे liquid और solid दोनों को हम coat कर सकते हैं. इसको Southwest Research Institute ने develop किया था. यह mechanical process है और इसमें centrifugal force के द्वारा core material को coating membrane में coat किया जाता है. यह technique rapid है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलेटिवली सिंपल है और हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमें इससे ऑब्टेन होती है. थैंक यू ऑल. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टे सेफ एंड हेल्थी.